कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट फाइनल हो चुका है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में 104 सीट हासिल किया है, वहीं कांग्रेस को 78 सीट पर कामयाबी मिली है, जबकि जीडीएस को 38 और अन्य को 2 सीट प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में भारी जीत हासिल करने पर देश भर के भाजपाइयों में खुशी की लहर व्याप्त है। सीएम सिटी गोरखपुर में भी भाजपाइयों ने कर्नाटक की जीत पर जश्न मनाया। बैनीगंज स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी और नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर बधाइयां भी दी। जश्न के इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र जैन, राधेश्याम रावत सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पूरे देश में जो मोदी जी का नेतृत्व है, आज दुनिया के अंदर मोदी जी का नेतृत्व में भारत महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है, और विपक्षी दल साजिश करके एक आकाश में काले बादल की तरह मंडरा रहे थे। आज पूरे देश की कर्नाटक की जनता ने ये सिद्ध किया है, कर्नाटक के नौजवानों ने सिद्ध किया है कि राष्ट्रवाद का कोई विकल्प नहीं है, और मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटका में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। काल संकट के काले बादल छट करके चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में कमल ही कमल खिला है। गोरखपुर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी और महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में जश्न मना रहे हैं। पूरे गोरखपुर में उत्साह का माहौल है, और पूरे देश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं आज के मौके पर बधाई देना चाहता हूं कि 35-3 दर्जन से अधिक सभाएं करके कर्नाटका के अंदर एक माहौल बनाने का काम किया है, और वहां की जनता को, गोरखपुर की जनता, कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई दे रही है राष्ट्रवाद की विजय। हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं, हमारे नेता अमित भाई शाह हैं, हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं, और सब लोगों ने मिलकर के सामूहिक नेतृत्व के साथ मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति खड़ा है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब एक प्रचंड विजय हासिल किए हैं।